नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन रेल पर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 0-22-15 बांद्रा टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में, जो कि दिल्ली के सराय रोहिल्ला से बांद्रा टर्मिनल तक चलती है। हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच में या सराय रोहिल्ला से बांद्रा के बीच में चलती है। दोस्तों ये ट्रेन को नॉर्दर्न रेलवे जो है ऑपरेट करता है। इसका इनॉग्रल यानी कि इस कोविड स्पेशल का इनॉग्रल हुआ था 22 मार्च 2021 को। दिल्ली से मुंबई के बीच में ट्रेन चलती है। ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग आपको इसमें प्रोवाइड हो जाएगी। और इसके रेक कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें थर्ड एसी के ही कोचेज लगते हैं, थर्ड एसी के ही 19 कोचेज लगते हैं। इसमें 2 ईओजी लगते हैं और इसका कोई रेक शेयरिंग नहीं है। दोस्तों इसमें दिल्ली से अहमदाबाद तक तुगलकाबाद का WDB-4D लोकोमोटिव लगता है और अहमदाबाद से बांद्रा के बीच में बड़ौदा का वेब 7 लगता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रेन के फेयर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ 30 के ही कोची लगते हैं और इसका किराया मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ दिल्ली से मुंबई या सराय रोहिल्ला से बांद्रा तक का ही बताऊँगा। दोस्तों ये ट्रेन सराय रोहिल्ला से बांद्रा के बीच में 1155 रुपये इस ट्रेन का किराया है। 30 ही इसमें कोची लगते हैं और ये ट्रेन 22 घंटे 40 मिनट पर टोटल डिस्टेंस कवर करती है, जो कि है 1433 किलोमीटर का। दोस्तों ये ट्रेन 63 किलोमीटर पर आर की एवरेज स्पीड के साथ 15 हॉल्ट लेकर चलती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके टाइम टेबल के बारे में। तो ये दिल्ली से मुंबई के बीच में हर 4 दिन चलती है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। दोस्तों दिल्ली सराय रोहिल्ला से इसके निकलने का समय है करीब 8:55 पर ट्रेन निकलती है दिल्ली सराय रोहिल्ला से। उसके बाद ये दिल्ली छावनी पहुंचती है 9:10 पे और 9:12 पे वहाँ से चल देती है। इसका यहाँ पर ग्राउंड का स्टॉप है। उसके बाद ये गुड़गांव पहुंचती है 9:28 पे और 9:30 बजे ये ट्रेन गुड़गांव से चल पड़ती है। उसके बाद ये रेवाड़ी जंक्शन पहुंचती है 10:20 पे और 10:25 पे ट्रेन रेवाड़ी जंक्शन से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अलवर जंक्शन पहुंचती है 11:18 पे और 11:21 पे ट्रेन अलवर जंक्शन से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जयपुर जंक्शन पहुंचती है 2 बजे दोपहर में और 2:10 पे वहाँ से चल देती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 303 किलोमीटर दिल्ली से जयपुर ये ट्रेन कवर कर लेती है। उसके बाद ये अजमेर जंक्शन पहुँचती है। अजमेर जंक्शन इसके पहुँचने का समय है 4:15 पे और 4:25 पे ट्रेन अजमेर जंक्शन से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये फालना में पहुँचती है 7:03 पे और 7:05 पे ट्रेन फालना से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये आबू रोड पहुँचती है 8:25 पे और 8:35 पे ट्रेन आबू रोड से चल देती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये पालनपुर जंक्शन पहुँचती है करीब 9:31 पे रात को और 9:33 पे वहाँ से चल देती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये गांधीनगर कैपिटल पहुँचती है करीब 11:30 बजे रात को और 11:32 पे वहाँ से चल देती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। गांधीनगर कैपिटल तक दिल्ली से 923 किलोमीटर कवर कर लेती है। उसके बाद अहमदाबाद जंक्शन पहुँचती है 12:30 बजे और 12:50 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है और 950 किलोमीटर दिल्ली से अहमदाबाद ये ट्रेन कवर कर लेती है और यहाँ पर इसका लोको चेंज भी होता है। उसके बाद ये वडोदरा जंक्शन पहुँचती है 2:15 पे या 2:15 बजे और 2:20 पे वहाँ से चल देती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये भरूच जंक्शन पहुँचती है 3:07 पे और 3:09 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सूरत में पहुँचती है 3:55 पे और 4 बजे सूरत से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अपने सेकंड लास्ट स्टेशन बोरीवली में पहुँचती है, बोरीवली में 6:46 पे पहुँचती है, 6:50 पे वहाँ से चल देती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बांद्रा टर्मिनल पहुँचती है, बांद्रा टर्मिनल इसके पहुँचने का समय 7:35 पे और वहाँ पर जाकर अपनी 1433 किलोमीटर की जर्नी समाप्त कर देती है और वहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें सारी अपडेट्स लेने के लिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।